नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। ड्रग्स केस में आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पूरे 28 दिन बाद बुधवार को जेल से बाहर आ गई हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया को सशर्त बेल दे दी है। रिया चक्रवर्ती को जमानत मिलने के बाद उनके वकील सतीश मान शिंदे ने उन्हें लेकर मीडिया में बड़ा बयान दिया है। NDTV से बात करते हुए सतीश मान शिंदे ने कहा कि मैं लंबे अरसे बाद किसी क्लाइंट से मिलने जेल गया था, जहां जाकर मैंने पाया कि रिया काफ़ी सकारात्मक हैं। वो अन्य कैदियों के साथ वैसे ही रह रही हैं जैसे कि एक आम महिला को कैदियों के साथ रहना चाहिए। वो खुद के और जेल के कैदियों के लिए योग क्लासेस संचालित करती थी। वहां ना उन्हें घर का खाना मिल रहा था और ना ही वो किसी सेलिब्रिटी की तरह रह सकती थी, लेकिन इन मुश्किल हालातों का रिया ने डटकर सामना किया। सतीश मान शिंदे ने जांच एजेंसियों पर रिया को जानबूझकर फंसाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत का परिवार रिया से बदला लेना चाहता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि रिया एक्टर सुशांत की प्रेमिका और लिव इन पार्टनर थी। मान शिंदे ने कहा कि रिया बहुत बहादुर और मजबूत हैं, वो बंगाली बागिन हैं और देखिएगा कि वो अपने खिलाफ बोलने वाले सभी बेशर्म लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगी। मान शिंदे ने कहा कि रिया मानसिक रूप से काफी मजबूत हैं और उसे कमजोर समझने की गलती ना करें। गौरतलब है कि सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 9 सितंबर को रिया को गिरफ्तार किया था। NCB ने रिया पर ड्रग सिंडिकेट का सक्रिय सदस्य होने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने जहां रिया को बेल दे दी है, तो वहीं रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।